गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर IITM और जी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार नेटवर्क क्या होता है, डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इनसे रिलेटेड एग्जांपल डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा। जब हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए डेरिवेशन करेंगे तो इसमें हम किस प्रकार से डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ज कर सकते हैं, या जे इसका यूज तब होता है हम कोई करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए होते हैं, जैसे ब्रिज सर्किट है, वो हम ब्रिज सर्किट को किस प्रकार से एक सिंपल सर्किट में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, तब वो जी यूज होता है डेल्टा और स्टार कन्वर्जन। जैसे आपको बहुत टिपिकल सर्किट मिलेंगे, तो हम डेल्टा सर्किट को किस प्रकार से स्टार सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, तो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल एक ट्रिक की सहायता से आपको एग्जाम्पल रिलेटेड बताएंगे। तो फॉर्मूला आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल हिंट पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को स्किप करके जरा भी ना देखें, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, हम चलते हैं आगे स्टार नेटवर्क की ओर, जिसे अदर नेम नॉन एजे वाई नेटवर्क एंड टी नेटवर्क। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क की डेफिनेशन जानेंगे, उसका फिगर जानेंगे। तो स्टार नेटवर्क, जिसे अदर नेम से भी जाना जाता है, वाई नेटवर्क और टी नेटवर्क। तो इसमें होता यह है कि जो टू रेजिस्टेंस होते हैं R1 एंड R2, वो सीरीज आर्म में ऐड होते हैं। जो थर्ड रेजिस्टेंस होता है R3, वो शंट आर्म में ऐड होता है। ओके, हम इसकी डेफिनेशन भी बता दे रहे हैं। स्टार नेटवर्क इन विच देयर आर टू रेजिस्टेंस There are two resistance R1 and R2 in the series arm and R3 resistance in the shunt arm. In a normally named edge, it known as टी नेटवर्क और वाई नेटवर्क। ओके, हम इसका फिगर बनाएंगे स्टार नेटवर्क का, इसे टी नेटवर्क भी कहा जाता है। टी की शेप की इसका हम फिगर बनाएंगे। बताया था R1 और R2 जो दो टू रेजिस्टेंस है, ये सीरीज आर्म में ऐड होंगे R1 एंड R2। ओके, और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा R3, वो शंट आर्म में ऐड होगा। यह ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है और सी टर्मिनल है, ये डी टर्मिनल है, ये ई टर्मिनल, एफ टर्मिनल। ये सीरीज आर्म होती है, ये शंट आर्म होती है। तो R1 R2 सीरीज आर्म में ऐड है और R3 शंट आर्म में ऐड है। हम इसका अदर फिगर बनाएंगे, जैसे स्टार नेटवर्क या वाई नेटवर्क के आकार का। वाई की जो अल्फाबेट होता है उसकी उस शेप का हम नेटवर्क बनाएंगे। ये हमारा ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और ये हमारा एफ टर्मिनल है। ओके, और ये हमारा ई टर्मिनल है, इस प्रकार से। ओके ठीक, तो ये हमारा R1 R2 R3, ये सीरीज आर्म में ऐड है R1 R2 रेजिस्टेंस, R3 शंट आर्म में ऐड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से होता है। ओके, ये हमारा होगा स्टार नेटवर्क। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेल्टा नेटवर्क, अदर नेम नॉन एज पाई नेटवर्क। तो डेल्टा नेटवर्क कहें या पाई नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क का सिंबल ट्राइंगल की शेप का होता है इस प्रकार से, और पाई आप जानते हैं
इस प्रकार से हम एस नेटवर्क को पढ़ेंगे। डेल्टा नेटवर्क क्या होता है, जिस आकार की सेव होती है उसमें केवल एसटेंस ऐड कर देना है, तो इसका जस्ट उल्टा है। इसमें आर सीरीज आर में टू रेजिस्टेंस, उसमें संट आर में टू रेजिस्टेंस ऐड होंगे और सीरीज आर में वन रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो हम पाई नेटवर्क किस प्रकार से, जिस प्रकार से फिगर बना है, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, सी टर्मिनल, डी टर्मिनल, ये एफ टर्मिनल है, आर ए, आर बी, आर सी। इसमें जो आर ए रेजिस्टेंस है वो सीरीज आर में ऐड है और जो आर बी आर सी रेजिस्टेंस है ये संट आर में ऐड है। ये हमारा पाई नेटवर्क है। अगर हम डेल्टा नेटवर्क का फिगर बनाएं तो कुछ डेल्टा के आकार का ही है। ये हमारा ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये एफ टर्मिनल है, ये आर ए सीरीज आर में ऐड है, आर बी आर सी संट आर में ऐड है। ओके, तो ये हुआ हमारा डेल्टा एंड पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क डेल्टा एंड पाई नेटवर्क इन विच देयर आर टू रेजिस्टेंस आर वी एंड आर सी इन द संट आर विच आर ऑन आइदर साइड ऑफ रेजिस्टेंस आर ए कनेक्टेड इन द सीरीज आर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे कि हम किस प्रकार से डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। हम डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जन इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो हम डेल्टा नेटवर्क का फिगर बना लेंगे। डेल्टा नेटवर्क का फिगर इस प्रकार से बनाया था, जब अभी डेल्टा जब नेटवर्क बताया, ये हमारा ए टर्मिनल है, ये एफ, ये हमारा एफ टर्मिनल है और ये हमारा बी टर्मिनल है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार नेटवर्क में। तो वाई के फिगर का होता है, जो वाई अल्फाबेट होता है उस आकार का, ये हमारा ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, एफ टर्मिनल, आर ए रेजिस्टेंस, आर बी, आर सी, आर आर बी, और ये हमारा इस प्रकार से है आर, इधर आर वन, आर टू और आर थ्री। ये हमारा कौन सा है, डेल्टा नेटवर्क, और ये हमारा स्टार नेटवर्क, वाई नेटवर्क। तो हमें चेंज करना है डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में। तो जो हमने पहले फिगर बना चुके हैं, ये हमारा डेल्टा नेटवर्क, ये स्टार नेटवर्क, तो हमने वही कहने कलम इस हमें डेल्टा नेटवर्क को वाई नेटवर्क स्टार नेटवर्क में चेंज करना है। जी जैसे ब्रिज सर्किट हम हुई है, उस ब्रिज सर्किट में इस प्रकार का डेल्टा नेटवर्क होता है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने प्रॉब्लम आती है, तब हम उधर इस डेल्टा नेटवर्क टू स्टार नेटवर्क कन्वर्जन का यूज करते हैं। ओके, अभी जब हम एग्जांपल बताएंगे तो आपको बताएंगे, आगे हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हम आगे इधर लिखा है ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट, हम वो फाइंड करेंगे। जब पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो ए टर्मिनल ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट है, तो आप देख रहे हैं आर वी आर सी जिस सीरीज में है और आर ए जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल है। तो
stands between terminal A and B in delta network. So delta network 1 upon RV equal 1 upon RA plus 1 upon RV plus RC. क्यों? आप देख रहे हैं कि जो RV RC है जिस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R डैश इक्वल RV प्लस RC आ जाएगा। फिर जो इसका R डैश है वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्या होगा? 1 अप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RV इक्वल 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन R डैश। आप R डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन RAB इक्वल 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RV प्लस RC। इस प्रकार से जी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो RAB इक्वल आ जाएगा RA इंटू RV प्लस RC और RA प्लस RV प्लस RC। हमने RA की वैल्यू फाइंड कर ली किस में? डेल्टा नेटवर्क में। इसी प्रकार से हम Y नेटवर्क स्टार नेटवर्क में फाइंड कर लेंगे तो A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है कितना है? R1 प्लस R2। R1 R2 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल इन Y नेटवर्क, या इसी को हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं, तो कितना है? आर ए बी इक्वल आर वन प्लस आर टू। हम डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आर वन प्लस आर टू इक्वल आर ए इंटू आर बी प्लस आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो R1 प्लस R2 इक्वल आ जाएगा RA RB प्लस RC इक्वल RA प्लस RB प्लस RC। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार से हमने अभी टर्मिनल A एंड B में फाइंड किया। अब टर्मिनल AF और फिर इसके बाद जो टर्मिनल BF, बस सिमिलरली इसी प्रकार से करना है। डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड एफ इन डेल्टा नेटवर्क, फिर वाई नेटवर्क। इसी प्रकार फिर हम बी टर्मिनल बी एंड एफ के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे डेल्टा नेटवर्क में वाई नेटवर्क में। सिमिलरली इसी प्रकार से करेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड एफ इन डेल्टा नेटवर्क। ओके, तो हम फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा आर ए एफ। आप फिगर में देख रहे हैं हमें ए एंड एफ के बीच ज्ञात करना है, तो आर ए आर सी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और जी हमारा फिर जो इसके साथ इक्विवेलेंट आएगा वो किसका? इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो निकल के आ जाएगा आर ए एफ इक्वल आर वी इंटू आर ए प्लस आर सी अपॉन आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। हम इसी प्रकार से रिलेशन बिटवीन इन किस में निकालेंगे? वाई नेटवर्क में। तो वाई नेटवर्क में कितना आ जाएगा? आप ए एंड एफ के बीच देख रहे हैं तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R3, तो कितना आ जाएगा? R RAF इक्वल R1 प्लस R3। तो दोनों आप इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा R1 प्लस R3 इक्वल RB RA प्लस RC अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC। जी हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। इसी प्रकार से हम टर्मिनल B तथा F के बीच में हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ टर्मिनल इन
डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क में पी और एफ टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस होगा आर वी एफ इक्वल कितना है आप देख लेंगे वी एंड एफ टर्मिनल के बीच, इसमें आर ए आर वी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो आर सी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो आएगा आर सी इंटू आर ए प्लस आर वी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे वाई नेटवर्क में, तो वाई नेटवर्क में बी एंड एफ टर्मिनल के बीच आर टू प्लस आर थ्री है, तो आर वी एफ इक्वल आर टू प्लस आर थ्री। ओके, इसे हम दोनों के इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा आर टू प्लस का आर थ्री इक्वल आर सी आर ए प्लस आर वी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। हमने इसे इक्वेशन थर्ड दे दिया। ठीक, अब आप जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करके आप आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस डेल्टा नेटवर्क को वाई नेटवर्क में चेंज करना है। जब हम आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू किन की टर्म में फाइंड करेंगे, आर ए आर वी एंड आर सी की टर्म में हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारा डेल्टा नेटवर्क स्टार नेटवर्क में चेंज करने का डेरिवेशन हो जाएगा। तो हम आप देख रहे हैं जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है एंड इक्वेशन थर्ड है, इन्हीं की आप मदद से इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, आप इन्हीं की इसी को ध्यान से देखेंगे आपको कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड को आप सोचें ऐड कर दें, तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर टू आर थ्री इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टू आर वन बचेगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, मतलब हमें ये करना है हर बार दो इक्वेशन जोड़ ऐड कर देना है और जो थर्ड इक्वेशन होगा उसे सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आर वन आर टू एंड आर थ्री की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे और थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन प्लस आर थ्री माइनस का आर टू माइनस आर थ्री। हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, थर्ड को सब्सट्रैक्ट किया है, वैल्यू पुट कर देंगे आर ए आर वी प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी प्लस आर वी आर ए प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी माइनस आर सी आर ए प्लस आर वी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। आप देख रहे डिनोमिनेटर इक्वल है, और इधर आर थ्री से आर थ्री कैंसिल, आर टू से आर टू कैंसिल, तो आएगा टू आर वन इक्वल आर ए आर वी आर सी का क्या होगा, कॉमन होगा, इसका हम अंदर मल्टीपल कर देंगे तो आर ए इंटू आर वी प्लस आर ए इंटू आर सी इंटू आर ए इंटू आर वी प्लस आर वी इंटू आर सी माइनस आर ए इंटू आर सी माइनस आर वी इंटू आर सी कैंसिल हो जाएंगे आर वी से। इस प्रकार से तो हमारा जो देख रहे हैं आप आर ए इंटू आर वी आर ए इंटू आर वी, तो आएगा टू आर वन इक्वल टू आर ए इंटू आर वी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हम आर वन की वैल्यू फाइंड कर ली हमने आर ए इंटू आर वी अपॉन में आर ए प्लस आर वी प्लस आर सी। इस प्रकार से अब हम आर टू की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो आर टू की वैल्यू हम फाइंड किस प्रकार से करते हैं, इसमें आपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया और थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दिया, आप इसी प्रकार से फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दो और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर एक बार सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दो
और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकेंड, ओके। तो फर्स्ट है आर वन प्लस आर टू और थर्ड है आर टू प्लस का आर थ्री और सेकेंड है आर वन माइनस का आर थ्री। इसी प्रकार से हम इक्वेशन फर्स्ट था आर ए आर बी प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, थर्ड आर सी आर ए प्लस आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, माइनस सेकेंड इक्वेशन था आर बी आर ए प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आर टू इक्वल, ठीक, हम जैसे आर वन आया आर ए इंटू आर बी, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं आर टू, तो हमारा आर टू आ जाएगा आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इसी प्रकार से हम आर थ्री फाइंड कर लेंगे, यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आर ए इंटू आर बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर आर बी आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम बचेगा कितना आर ए इंटू आर सी, आर इंटू आर सी कॉमन हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने वैल्यू फाइंड कर ली आर टू की, तो आर टू की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी इंटू आर सी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वैल्यू आर थ्री की वैल्यू की रेजिस्टेंस आर थ्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड माइनस का फर्स्ट, तो आर टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इस प्रकार से हमने आर टू की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यदि यदि हमें जो डेल्टा नेटवर्क था उसमें आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो ज्ञात हो, तो हम जो स्टार नेटवर्क में रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू एंड आर थ्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो हम इसके किस कितने आसान तरीके से फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, आपको आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो उसी फिगर की सहायता से कितना सिंपल मेथड होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब जानेंगे, अभी जाना था डेल्टा टू स्टार नेटवर्क, अब जानेंगे इसका अपोजिट स्टार टू डेल्टा नेटवर्क, स्टार टू डेल्टा नेटवर्क कन्वर्जन, ओके। तो आप फिगर हमने बनाया था, तो आप फिगर देख रहे हैं आप, जो उसमें हमने फिगर बनाया था आप उस फिगर को देखिएगा, उसी फिगर की सहायता से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक। तो फिगर ये था, इसमें था डेल्टा टू स्टार, अब स्टार टू, तो हम इस स्टार नेटवर्क से डेल्टा नेटवर्क में चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार से करते हैं, तो आप इक्वेशन तो आपने देख ही लिए हैं, हमने आर वन की वैल्यू फाइंड की थी, इसे इक्वेशन फोर दे देते हैं, हमने आर टू की वैल्यू फाइंड की थी इसे हम इक्वेशन फिफ्थ जो अभी, और इसे ये आर थ्री की हमने वैल्यू फाइंड की है इसे इक्वेशन सिक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन सिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीपल करना है प्लस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीपल प्लस इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट का मल्टीपल, और तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो हमें अब हम मतलब हमें ये करना है, स्टार नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस होते हैं आर वन आर टू एंड आर थ्री उसकी वैल्यू फाइंड होगी, तो हमें डेल्टा नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस होते हैं आर ए आर बी एंड आर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्रोसेस यही जो हम अभी कर चुके हैं थर्ड टॉपिक, उसमें ये करना है कि जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीपल कर देना है, सेकंड थर्ड का और थर्ड फर्स्ट का, तीनों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा आर वन
इंटू आर टू प्लस आर टू प्लस इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन। ओके, तो आर वन की वैल्यू थी हमारी आर ए इंटू आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी इंटू आर सी इंटू फिर आर टू लिखा है, तो आर टू की वैल्यू थी आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इस प्लस फिर आर टू की वैल्यू फिर आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए इंटू आर बी इंटू प्लस आर सी इस प्रकार से इंटू आर थ्री की वैल्यू, तो आर थ्री की वैल्यू थी आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ओके, फिर प्लस है आर थ्री की वैल्यू फिर, तो आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इंटू आर वन, तो आर वन की वैल्यू थी आर ए इंटू आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आर वन प्लस इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन। तो हम इसकी वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा आर ए स्क्वायर इंटू आर बी इंटू आर सी, इधर आ जाएगा आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी स्क्वायर, इधर आर ए इंटू आर सी इंटू आर बी स्क्वायर, तो इधर कॉमन हो जाएगा आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी, बचेगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर होगा, और तीनों की डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करके आर ए इंटू आर बी आर सी का कॉमन हो रहा है, जिसमें बचेगा आर ए आर बी प्लस आर सी, एक जो कैंसिल हो जाएगा इससे एक पावर, तो हमारा बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन इक्वल आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ओके, हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी की, तो आप देख रहे इसमें किसी की वैल्यू रख दें, अगर हम आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी जी किसकी वैल्यू होती है, आर वन की वैल्यू होती है। आप किसी की वैल्यू पुट कर दें, आप आर टू की कर दें, आर थ्री की कर दें, ठीक, तो पुट दी वैल्यू ऑफ आर वन, तो आर वन की वैल्यू कितनी होती है आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा आर वन इंटू आर टू प्लस का आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन इक्वल, हम वैल्यू पुट कर दी तो आर वन इंटू आर सी, तो हमें आर सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन अपॉन में आर वन, ये हमारी आर सी की वैल्यू आ गई। आप इसी इक्वेशन में आर टू की वैल्यू फाइंड कर दें, ठीक, इसी इक्वेशन में आप आर थ्री की वैल्यू पुट कर दें, पुट दी वैल्यू ऑफ आर टू, तो आर टू की वैल्यू हमारी क्या थी, तो हम आर टू की वैल्यू थी आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो आप इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे आर ए इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस जी किसकी वैल्यू है आर टू की, तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी आर बी की, तो आर बी इक्वल आ जाएगा आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन अपॉन में आर टू, ये हमारी आर बी की वैल्यू फाइंड आ गई। अब हम इसी इक्वेशन में आर ए आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी की वैल्यू कितनी होती है आर थ्री, तो आर थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुट दी वैल्यू ऑफ आर थ्री
इक्वल होता है आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। देन हमारा निकल के आ जाएगा आर ए इक्वल आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन अपॉन में आर थ्री। ओके, तो हम आप देख रहे हैं कि हमें जो स्टार नेटवर्क है जिसे वाई नेटवर्क भी कहते हैं उसमें आर वन आर टू एंड आर थ्री डिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम थी। तो हम जो डेल्टा नेटवर्क में आर ए आर वी एंड आर सी डिस्टेंस होता अब हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यदि हमें डेल्टा नेटवर्क में डिस्टेंस जो लगे हैं अगर उसकी वैल्यू पता हो तो हम स्टार नेटवर्क के डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें स्टार नेटवर्क में जो डिस्टेंस लगे हैं उसकी वैल्यू पता है तो डेल्टा नेटवर्क में लगे डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब इसमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एग्जांपल। आप देख रहे हैं जी फॉर्मूले इतने बड़े बड़े हैं आपको लग रहा होगा लर्न करने में इसमें प्रॉब्लम है। तो हम जब एग्जांपल आप बता रहे हैं जो ब्रिज सर्किट है कई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेके जो बीएससी फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल आए भी हैं बहुत सनों में वो कई यूनिवर्सिटी में आया है तो हम उस एग्जाम्पल को अब हम आपको बता रहे हैं तो बहुत ही सिंपल होगा। ओके, एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट कंस्ट्रक्ट वाई नेटवर्क इक्विवेलेंट ऑफ डेल्टा नेटवर्क। ओके, शोन बाय फिगर। ठीक, ये कई यूनिवर्सिटी में आया भी है। एक फिगर डेल्टा नेटवर्क का दिया है उस डेल्टा नेटवर्क को हमें किस में कन्वर्ट करना है वाई नेटवर्क में। ओके, तो डेल्टा नेटवर्क का फिगर इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही दिया है। ओके, हमारा ए टर्मिनल बी टर्मिनल सी टर्मिनल 8 ओम का रेजिस्टेंस है 12 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, 8 ओम 12 ओम और 4 ओम। इस हमको डेल्टा नेटवर्क को किस में बदलना है, हमें वाई नेटवर्क की रचना करनी है इसके समतुल्य इक्विवेलेंट। तो आप अब लगाया होगा हमें फॉर्मूला याद नहीं है किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आप जानते हैं वाई नेटवर्क में चेंज करना है तो सबसे पहले आप वाई नेटवर्क बना लें तो वाई अल्फ़ाबेट की तरह होता है इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगा दें और तो जी हमारा बी टर्मिनल सी टर्मिनल ए टर्मिनल। ओके, आर वन आर टू ये आर थ्री है ये आर ए आर बी ये आर सी है। ओके, तो हमको इसमें डेल्टा नेटवर्क को वाई नेटवर्क में चेंज करना है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद नहीं तो सबसे पहले आप डेल्टा नेटवर्क इस प्रकार से बना लेंगे ये हमारा डेल्टा नेटवर्क बना है। ओके, इसको मैं स्टार इसी के अंदर जो स्टार नेटवर्क बना दें वाई बना दें। ओके, जी इधर हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और जी 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा है जी 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ओके, जी हमारा आर वन है जी रेजिस्टेंस आर टू है ये रेजिस्टेंस आर थ्री है। ओके, हमें आर वन आर टू एंड आर थ्री की वैल्यू फाइंड करना है तो निकल आएगा तो आर वन इस प्रकार से की जाती है आर वन का जो कॉर्नर है जिस जिस रेजिस्टेंस से उधर से ऐड है कौन कौन सा रेजिस्टेंस इस कॉर्नर से है 4 ओम का 8 ओम का तो इनका हमें मल्टीपल कर देना है 4 × 8 और जितने ओम है इस डेल्टा नेटवर्क में सब सबका टोटल ऐड तो 4 + 8 + 12
तो आ जाएगा, मल्टीपल कर देंगे तो 32, इधर कितना आ जाएगा 24। ओके, हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से तो 4/3 ओम आ जाएगा। अब हमें आर टू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर टू की वैल्यू, आर टू रेजिस्टेंस कहाँ है, इधर है। आर टू रेजिस्टेंस किस किस से, जो आर टू का कॉर्नर है ये इधर से कौन सा, किसका कौन, किस किस रेजिस्टेंस का कॉर्नर है, 4 ओम का, 8 ओम का, इधर से है ना, एक ही कॉर्नर से है, तो इनका मल्टीपल कर देंगे 4 × 12 अपॉन में टोटल जितने रेजिस्टेंस हैं डेल्टा नेटवर्क में उनका ऐड, तो कितना आ जाएगा 48 अपॉन में 24। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 ओम, तो आर टू की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। इसी प्रकार से हम आर थ्री की वैल्यू, तो आप देख रहे हैं आर थ्री का जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से कौन से रेजिस्टेंस हैं, 8 ओम का, 12 ओम का, तो इनका मल्टीपल कर देते हैं अपॉन में इनका टोटल जितनी रेजिस्टेंस है डेल्टा नेटवर्क में, तो 8 × 12 अपॉन में 24, इससे जे कैंसिल हो जाएगा 2, तो 4 रेजिस्टेंस के आ गए। यदि हम फॉर्मूला लिखना हो तो देखना वही आएगा जी, हमारा आर ए है रेजिस्टेंस, जी आर बी रेजिस्टेंस है, जी आर सी रेजिस्टेंस है। अब आप फॉर्मूला देखना, वही फॉर्मूला बनेगा, आर वन इक्वल हो जाएगा जी कितना, आर ए है जी आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और आर टू इक्वल आ जाएगा आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और आर थ्री इक्वल आ जाएगा आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। फॉर्मूला देखो वही आ गए ना, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर वन की वैल्यू आई 4/3 ओम, और आर टू की वैल्यू आई 2 ओम, और आर थ्री की वैल्यू आई 4 ओम। तो ये कई बार कई यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा गया है, इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करो, इसके समतुल्य हमें सर्किट की हमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो किस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले आप इस फिगर को इमेजनरी बना लेंगे कहीं, फिर बाद में इसको सॉल्व करने के बाद इरेज कर देंगे। सबसे पहले डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क से स्टार नेटवर्क में चेंज करना, तो डेल्टा नेटवर्क उसके अंदर स्टार नेटवर्क, इस प्रकार से। आपको यदि फॉर्मूला भी लर्न नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर वन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो इससे कौन कौन सा रेजिस्टेंस ऐड है इसके कॉर्नर से, तो उनका मल्टीपल कर दो अपॉन में जितने रेजिस्टेंस है उनका टोटल ऐड, इसको सॉल्व कर लो। इस आर टू की करनी है तो इस कॉर्नर से जी दोनों ऐड हैं, तो इनका मल्टीपल अपॉन में टोटल, इसी प्रकार से आर थ्री। तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की आवश्यकता नहीं, यदि आप कर लेते हैं तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, हो सकता है आपको फॉर्मूला लर्न करने में कभी कभी आप भूल जाते हैं तो समस्या ना आए। यदि आप जैसे हमें चेंज करना है कि वाई नेटवर्क से डेल्टा नेटवर्क, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक हम आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं जो ब्रिज सर्किट का है, जैसे कई बार टिपिकल बहुत सर्किट आ जाते हैं, तो हम ब्रिज सर्किट एक एग्जांपल है, उस हम ब्रिज सर्किट को किस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आप ब्रिज सर्किट को और सॉल्व कर ले जाएंगे कितने आसान तरीका से। तो आप एग्जाम्पल को देखिएगा, इस प्रकार से दिया है एग्जाम्पल टू, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, इस प्रकार से कोई जैसे सर्किट दिया है, ठीक, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये हमारा ब्रिज सर्किट है, हमने इस प्रकार से बना दिया। इसमें हमने ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये डी टर्मिनल, इसमें कह रहा कि टर्मिनल ए एंड बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, किसके किसके बीच, कह रहा टर्मिनल
ए एंड बी के बीच हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में जी पूछ रहा तो जी ब्रश सर्किट है, अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, तो दिमाग में उलझन चल रही होगी। तो हम इसको, आपको देख रहा होगा जी, ऊपर भी डेल्टा नेटवर्क है या नीचे भी डेल्टा नेटवर्क है, या तो ऊपर वाले डेल्टा नेटवर्क अपर डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में चेंज कर लें, या ऊपर वाले को नहीं करना है तो लोअर डेल्टा नेटवर्क को चेंज कर लें। ओके, चाहे आप जैसे कर लें आंसर वही आएगा। तो आप देख रहे, हम इसको इमेजिनरी इस प्रकार से जी देख रहे कि जी हमारा डेल्टा नेटवर्क, इसको हम चेंज कर लेते हैं अगर स्टार नेटवर्क में, तो हमारा सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। तो हमारा, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं डेल्टा नेटवर्क को, कई इसमें थेवेनिन नॉर्टन वगैरह जो थ्योरम होती हैं उनका ना यूज करके हम डायरेक्ट यूज करेंगे डेल्टा नेटवर्क टू स्टार नेटवर्क कन्वर्जन। तो आप देख रहे हैं जी, हमने आगे इस प्रकार से बना लिया है, आप सही से बनाएंगे। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हमें काय में चेंज करना है, स्टार नेटवर्क में। तो हम स्टार नेटवर्क को इधर इमेजिनरी बना दिया है इस प्रकार से, इसमें हम रेजिस्टेंस आर लगा दिया, इसमें भी, इसमें भी, ये R1 R2 ये R3। ठीक, तो हम R1 की वैल्यू फाइंड किस प्रकार से करेंगे, बताया था जी कॉर्नर किस किस रेजिस्टेंस के कॉर्नर से जुड़ा है, इधर से किन किन रेजिस्टेंस की रचनाएं हैं, इधर से कई प्रकार से समझ सकते हैं। तो R1 का जो कॉर्नर है, ए 1 ओम और 2 एम के रेजिस्टेंस के कॉर्नर से ऐड है, तो इनका हम मल्टीपल कर देंगे, तो 1 × 2, और जितने इस डेल्टा नेटवर्क में रेजिस्टेंस है उनका ऐड, उनसे मतलब डिवाइड कर देना है, 1 + 1 + 2, तो आ जाएगा 2/4, कैंसिल कर देंगे तो 1/2। हम इसी प्रकार से R2 की वैल्यू, जे कॉर्नर से कौन कौन से इधर से ओम मिल रहे हैं, 1 ओम का और 1 ओम, तो इनका मल्टीपल और सब ऐड कितना आ जाएगा, 1/4 ओम। अब हमें R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R3 की वैल्यू किस प्रकार से, इधर से कौन कौन सा ओम है, इस कॉर्नर से 2 ओम और 1 ओम की रास्ता है, तो इनका मल्टीपल कर देंगे फिर सब ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2/4 सॉल्व करेंगे तो 1/2 ओम। तो हम इसका, इस सर्किट से हम अदर, अब किस कौन सी सर्किट की रचना हो गई, तो हम वो बना लेंगे। अब जी सर्किट चेंज हो गया है इसमें, देखो वही बन गया ना जी, ऊपर अपर जो था ऊपर रेजिस्टेंस 1 एम 2 एम 2 ओम के लगे हैं जी, हमारा ए टर्मिनल है जी, बी टर्मिनल है जी, सी टर्मिनल है जी, डी टर्मिनल है। ठीक, ए और सी टर्मिनल के बीच 1 ओम का था, ए डी के बीच 2 ओम का था। ओके, हमने इस लोअर जो डेल्टा नेटवर्क था इसको चेंज कर लिया, तो जी इस प्रकार से आया था, इसकी वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू 1/2 और R2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 और R3 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। ओके, जब चेंज हो गए ना, तो हमने कहा था किस लोअर डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में चेंज कर लो, इसको नहीं करना है तो आप अपर को भी कर सकते हैं, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इक्वल ही होगी। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल हो गया, 1 ओम और 1/2 ओम, 1 ओम और 1/2 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 2 ओम और 1/4 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ओके, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो R- 1 ओम और 1/2 ओम के रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, सीरीज में ऐड होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/2 ओम। तो R-" की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 ओम 1/4 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो
आ जाएगा 8 प्लस 1, तो 9y 4 ओम। तो हम इसको अब किस सर्किट में हमने चेंज कर लिया, हम आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बताएंगे। तो हम अब हमारा जी इस प्रकार से कुछ आ गया, ये 3y 2 ओम और ये 9y 4 ओम और ये 1/2 ओम, ये बी टर्मिनल जी ए टर्मिनल। अब देख रहे कि 3y 2 और 9y 4 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो अब इसका एक इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ फिर सीरीज में होगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे R1/1 / R" की वैल्यू, तो 1/3y 2 + 1/9y 4, तो कितना आ जाएगा 2y 3 + 4/9, इसमें एलसीएम आ जाएगा 9 का, तो कितना आ जाएगा 3 6 4। 3 का डिवाइड करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 फिर इसका मल्टीपल कर देंगे 6, 9 से 9 डिवाइड किया 1, ऐसा मल्टीपल कर दिया तो 4, तो कितना आएगा 10y 9। तो R" की वैल्यू कितनी आ गई 9y 10 ओम। मतलब हम इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह कौन से कितना ओम लगा सकते हैं, और हम लगा सकते हैं 9y 10 ओम का, ये ए टर्मिनल है। अब इधर कितने ओम का था 1/2 ओम का, ये बी टर्मिनल है। अब जी दोनों 9y 10 ओम 1y 2 ओम के रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो देन हमारा तब लास्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R = 9y 10 + 1y 2। तो R इक्वल आ जाएगा 10 का एलसीएम हो जाएगा, तो 9 + 5, तो कितना आ जाएगा 14/10 ओम। इस प्रकार से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। यदि हमसे करंट भी फाइंड करने को कहता तो हम वो भी निकाल दें। सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार और देख लें। इस हमने लोअर डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में चेंज कर लिया, फिर हमने इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें नकल कर आया। फिर आप देख रहे जे जे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, जे जे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इस प्रकार का सर्किट आएगा। तो जे जे आप देख रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर आएगा, तो जे जे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। हमने बहुत डिटेल से बताया है। यदि आप कोई भी टॉपिक अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दें, और ये भी बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।